तो हम शुरू करते हैं तुमसे सना. ओके ठीक है. सना की हमजा माने हमजा तो उसका है. हमजा मेरा हमजा इनका है. नायल है. सना की नायल जो है वो शादी के कितने सालों बाद. 7 years. माशाल्लाह 7 years बाद नायल जो है वो इस दुनिया में. तो सना जो है उनको 7 साल तक क्या थोड़ी बेयर करनी पड़ी बातें. खुशखबरी कब सुना रही हो. नहीं मैं इग्नोर करती थी. आई वॉज टू बिजी इन माई ओन लाइफ. काम मैं ट्रैवल कर रही थी, मजा कर रही थी, काम कर रही थी. छोटी सी उम्र में तुम्हारी शादी. तो बस आई वॉज 19. अच्छा तो उसके बाद जो है फिर डिसाइड किया कि नहीं यार अभी हाई टाइम. अब क्रेविंग हो रही है औलाद की. ये नायल की पिक्चर है. ये नायल है. क्यूट तो बॉय क्यूट तो माशाल्लाह. अच्छा तो अब नायल आपकी गोद में आ गए. अब मैं प्रेगनेंसी का नहीं पूछ रही, मैं नायल के आने के बारे में बात करूँ. अब नायल आपके हाथ में सही सलामत, मतलब लाइक कि कोई ऑपरेशन. भाई मैं ऑपरेटेड था. अच्छा. और मैंने देखते ही मैंने कहा या अल्लाह ये तो अवतार का बच्चा पैदा हो गया. ही वाज ब्लू क्योंकि काफी देर से मैं घर में गॉड भाई थी ब्लू. और मैंने डॉक्टर को मैंने कहा ये क्या है बेटा. तो उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं रिलैक्स ही विल बी फाइन. घंटे डेढ़ बाद जब वो आया मैंने कहा यार ये तो सही है किसी इंसान के लिए. एंड आई वाज लाइक गॉड अब इसको संभालना कैसे है क्योंकि यू नो काफी सारी इनिशियली आती है. एज ए डॉक्टर में नादिया क्यों ब्लू लाइक वजह. आई थिंक थोड़ा सा एट टाइम्स यू नो लाइक मे बी इट वाज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन और समथिंग. यस अच्छा. मेरी कॉम्प्लिकेशन ये थी कि आई हैड नो पेन्स एंड आई वाज होम तो मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है. एंड देन व्हेन आई रियलाइज कि गड़बड़ हो रही है देन आई रश्ड टू द हॉस्पिटल. एंड शी वाज लाइक काफी देर से तुम बैठी हुई हो एंड देन यू नो दे ट्राइड गेटिंग द फेक पेन्स एंड ऑल तो इट डिडंट वर्क. तो फिर उन्हें सी सेक्शन कर दिया. अच्छा अब जब नाइल आपके हाथ में आ गए कुछ प्रैक्टिस की भी थी लड़की ने कि भाई इसको क्या करना है कैसे संभालना है. नॉट एट ऑल. नहीं कुछ भी नहीं पता था. रॉ बिल्कुल रॉ. और तैयारी नहीं की हुई थी कोई होता है मामा तैयारी कुछ भी नहीं. अच्छा कुछ भी नहीं. कुछ पढ़ते भी है गूगल से कि भाई. नहीं नहीं गूगल डॉक्टर मैं बहुत बड़ी हूँ. अच्छा मुझे बहुत डांट पड़ती है क्योंकि मैं खांसी को भी ना कुछ भी बना सकती हूँ गूगल करके. अच्छा तुम गूगल नहीं करोगी कुछ. अच्छा तो फिर आई स्टॉप यू नो. अच्छा क्योंकि मेरी बड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेगनेंसी थी. कोई वॉमिटिंग नहीं कोई सिकनेस नहीं कुछ भी. जब नाई फिर अब नायल जो है उसको फीड कराने के बाद दूध पिलाने के बाद अब खाने के प्रोसेस में आते हैं वो क्रैम्स पेट ये वो सारे क्या थे. अच्छा बिकॉज ही वाज ऑन माय फीड मोस्ट ऑफ द टाइम. तो उसको पहले तो मैंने कॉम्बिनेशन फीड पे डाला. अच्छा रात को जाहिर है वो बड़ा हो रहा था उसकी खुराक बढ़ रही थी. जब वो खाने पे आया तो हम मेरे स्पेशली ससुराल में ये है कि सब खिला दो. अच्छा और वो फिर एक चटोरा बच्चा है वो लिटरली एक चटोरा बच्चा चलो आप बिरयानी चखो नहारी खा लो बिरयानी चटा दो. और वो 6 महीने से उसकी यही रूटीन है. एंड ही इज अ वेजिटेरियन बाय बर्थ. ओह मैं सब्जी बिल्कुल नहीं खाती. वो एक टोटल वेजिटेरियन है. ओए ओए हां मतलब टिंडे ब्लॉकी यू नेम इट ही ईट्स इट. आई एम लाइक यक. हाँ. तो मैं उसे दिया है क्या बकवास है क्या बच्चा पैदा किया. वो कोई गोरा खाना नहीं खाता उसको. हाँ. सालन रोटी चाहिए थी. हाँ, हाँ. और इनिशियली उसको वही खिचड़ी साबुदाना देन देयर वाज बनाना. हाँ. और क्या था. हाँ ये सब रखी थी चीजें. सूजी सूजी दूध दलिया. यस सूजी दलिया मैश पोटेटोज. यस अजवाइन तो मैं जब फीड कराती थी तब फाँकती थी. बड़े कहते हैं ना कि इट्स गुड यू नो व्हेन यू आर फीडिंग. तो अजवाइन फाँकती थी और जैम ब्रेड तो बहुत बाद में आई थी. लेकिन वो माशाल्लाह बचपन से चटोरा टाइप है. अच्छा उसको देसी खाने खाएं आलू के पराठे. हाँ. दे दें आप उसको. नो स्पगेटी नो पास्ता. नॉट एट ऑल अ गोरा बच्चा. और रातों में कितना जगाया है. नॉट एट ऑल. डेट वो बच्चा 8:30 सो जाता है. ओ, हमेशा लेकिन सुबह 7:30 हमारे बच्चा हम दोनों हमजा और वो सही चलेंगे. अच्छा और भी नहीं तंग किया. और दांतों ने उसके दांते अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो क्रैंकी हो रहे हैं. हाँ. वो ड्रूल कर रहे हैं. नहीं. हाँ. कोई सीन नहीं. नो बुखार कोई वैक्सीनेशन पे कभी कोई फीवर नहीं. हाँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने ऐसा तंग नहीं किया लेकिन देर से बड़ा तंग. अच्छा ही इज वेरी हाइपर. Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.